हेलो फ्रेंड, मैं विपुल। आप देख रहे ऑल टिप्स इन विपुल को। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए काम की बात करते हैं। आप लोगों के खास डिमांड के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, वो है लॉरियल हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। ये लॉरियल का एक्सटेंसो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है। काफ़ी लोगों की दिक्कत थी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका लॉन्ग लास्टिंग क्या है, इसका प्राइस क्या है और इसमें क्या क्या फीचर है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कुछ है, कोई पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको समझाऊंगा। पहली बात है, आपको ओरिजिनली कंटेंट मिलता है, नो एडिटिंग, नो कुछ मिलावट, प्योर वीडियो आपके पास मिलता है सिर्फ ऑल हेल्प टिप्स एंड रिपोर्ट के पास। तो चलिए आप शुरू करते हैं जी फ्रेंड। एक इसमें आता है एक न्यूट्रलाइजर, एक आता है हेयर शेडिंग क्रीम। आप देख सकते हो एक न्यूट्रलाइजर होता है, एक हेयर शेडिंग क्रीम होता है। तो ये लॉरियल की तरफ से है जी। ये छोटा पैक है, इससे बड़ा पैक भी आता है। अगर आपको सिर्फ एक आदमी के लिए करना है, अगर आप लड़की हो तो आपको एक पाउच लग जाएगा, अगर आप मतलब जेंट्स हो तो आपको दो पाउच लगेगा। इसीलिए मैं आपको रिव्यू करता हूँ इसका पूरा वीडियो। आपको इसका प्राइस है सिर्फ 525 रुपये, जो काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 525 रुपये, सिर्फ 525 रुपये। इसका ML आता है 125 ML, 125 ML में आता है। काफ़ी हद तक प्राइसलेस भी है, काफ़ी हद तक अच्छा भी रिजल्ट है। तो और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। इसका साइड इफेक्ट जीरो साइड इफेक्ट है इसका, सिर्फ हाँ जीरो साइड इफेक्ट। मतलब मेरा लगभग 3.5 साल से मैं बेच रहा हूँ। बहुत सारा पार्लर में भी दे चुका हूँ। ये बार बहुत सारा हमारे बगल में जो 2-3 पार्लर है, बराबर प्रोफेशनल पार्लर है, जो प्रोफेशनल जो कई कुछ काम होता है वो सब भी ये ले जाता है। आज तक मैं नहीं सुना लॉरियल के हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम में कोई भी नुकसान हुआ है। जी हाँ, जीरो साइड इफेक्ट है। अगर आपको ये बढ़िया से करना है स्टेप बाई स्टेप, तो ये रूल्स आप फॉलो कीजिए, 100% आपका हेयर स्ट्रेट जो है, लगभग 100% आपका जो प्रोफेशनल तरीक़ों से स्टेप बाई स्टेप होगा। और आप अगर इससे एक बार स्टार्ट कर लेते हो, आपका मिनिमम है 3 महीना से क्लास जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी बाल डैमेज नहीं होगा। इसके खास बात है, अगर आप स्टार्ट बहुत सारे में क्या होता है, अगर स्टार्ट आपका चला गया तो उसके बाद क्या है, बाल आपका ख़राब हो जाए, डैमेज होता है। इसके लिए आपको स्पा करना पड़ता है, इसके लिए आपको वाइट लेजर यूज़ करना पड़ता है, सीराम यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इससे कोई भी तरह का डैमेज नहीं होता। और इसका प्राइस के बारे में बोला, फिर से सुन लीजिए। इसका प्राइस 525 रुपये में आता है जी। ये दो पैक में आता है, एक होता है क्रीम, एक होता है न्यूट्रलाइजर। इसका यूज़ के बारे में बोलता हूँ, जो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि यूज़ के बारे में बोलिए, इसके यूज़ के बारे में बोलता हूँ। इसका यूज़ है, अगर आप पहले शैम्पू या कंडीशनर से बाल को अच्छी तरह से आप धो लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से धो के हेयर ड्राई लेके आप चूल को सुखा लीजिए, अच्छी तरह से सुखा लीजिए, बिल्कुल भी पानी मत रहने दीजिएगा। उसके बाद हेयर स्टेप वाला जो हेयर न्यूट्रलाइजिंग होता है और क्रीम होता है, तो आपको सिर्फ पहले क्रीम में अप्लाई करना है, ठीक से मतलब पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रलाइजर होता है वो स्टेप टू होता है, जो क्रीम होता है स्टेप वन होता है। उसके बाद आप एक कोई भी एक चीज़ लीजिए जो स्टील का नहीं हो, अगर आपके पास कांच का है या मिट्टी का है और भी कुछ का है, प्लास्टिक का है, तो उससे आप लीजिए। थोड़ा उसके लिए आप थोड़ा रफ़ कीजिए, ब्रश दे के हेयर ड्राई ब्रश दे के आप रफ़ कीजिए। उसके बाद आप बालों में अच्छी तरह से लगा लीजिए, कंघी कीजिए, अच्छी तरह से लगा लीजिए, कंघी पूरा बालों में आपको 100% बालों में पूरा लगा दीजिए। आप लगाने के बाद 25 से 30 मिनट तक रखिए उसको। 25 से 30 मिनट रखने के बाद आप नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से चूल को सुखा लीजिए। उसके बाद आपको हीट देना पड़ेगा, 160 में 180 में आप हीट गर्म करके हेयर स्ट्रेटनर मशीन से अच्छी तरह से बारीकी से एक दो बाल करके अच्छी तरह से हीट दे के आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद स्टेप टू लगाइए न्यूट्रलाइजर, सेम प्रोसेस है। उसके बाद न्यूट्रलाइजर स्टेप टू लगा के आपको सिर्फ सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम तरीक़ों से लगाना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उसके लिए भी आपको 25 से 30 मिनट तक ही रखना है। उसके बाद रखने के बाद आप कोई भी नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। लेकिन हाँ, आप स्टेप फॉलो करने के बाद नॉर्मल वाटर से धोने के बाद आपको 72 आवर्स आपके बाल में पानी मत लगाना है। तो आपको रूल फॉलो करना है, 72 आवर्स आपके बालों में पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पहली बात है, आपके हेयर में बिल्कुल भी पानी मत लगाना है 72 आवर्स तक। आप नहाइए तो माथे छोड़ के नहाइए, एक बात है, नहाने का है तो माथे छोड़ के नहाइए। आप 72 आवर्स के बाद फिर पानी लगाइए।
और बात है आपको प्रोफेशनली आपको शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा, और बालों में आप तेल मत यूज़ कीजिएगा, जी हाँ आप ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, ओनली फॉर सीरम आप हेयर सीरम यूज़ कीजिएगा, कोई भी कंपनी का हो। अगर आप प्रोफेशनल लेते हो हेयर स्ट्रेटनर सीरम सीरम लेते हो, बहुत सारा कंपनी में आता है, मैट्रिक्स में आता है, स्टिक्स में आता है, लॉरियल में आता है, बहुत कंपनी का, आप कोई भी सीरम यूज़ कीजिएगा, बालों में ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। क्या होता है उससे आपका हेयर स्ट्रेट खराब हो जाएगा। कोई भी शैम्पू यूज़ कीजिए प्रोफेशनल वाला, लेकिन कंडीशनर जरूर यूज़ कीजिए। अगर आपको और भी किसी डाउट हो कोई चीज़ से, अगर आपको रिव्यू देखना और कोई भी है तो आप जो कमेंट कर सकते हो। खास बात है मैं पूरा आपको ओरिजिनल कंटेंट देता हूँ, नो एडिट, मैं कोई भी पकड़ के एडिट नहीं करता, और ये पूरा कंटेंट मैं आपके पास कस्टमर का फीडबैक, मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए आप पूरा ओरिजिनल कंटेंट पाओगे। ठीक है फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो लगे। मेरा कोशिश है मैं आपको डेली लगभग एक वीडियो करता हूँ, मैं डेली आपको कोशिश कर रहा हूँ, दुकान में थोड़ा बिजी हूँ इसलिए आपको नहीं दे पाता, अगली बार मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा पर डे एक करके वीडियो में जरूर दूँगा। अगर आपको मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, वॉक का देखना है, या PLCC का देखना है, कोई भी बड़ा ब्रांड पालम का देखना है, आप कोई भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा रिव्यू दे दूँगा। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो।